हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब टेली अपडेट चैनल। दोस्तों, उर्फी जावेद को इस तरह के कपड़ों में देखकर लोग भड़क उठे और तरह तरह की बातें बोलने लगे। एक ने लिखा है, कोई इसे कपड़े अतिया कर दो, तो वहीं एक जोया शेख नाम की यूजर ने बोला, मुसलमान के नाम पर कलंक है ये। अदाकारा उर्फी जावेद एक बार फिर अपने ड्रेस की वजह से ट्रोलिंग का शिकार हो रही है। सोशल मीडिया यूजर उर्फी के क्रॉप टॉप को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। उर्फी जावेद ने जामनी रंग के जराबों से बना एक क्रॉप टॉप और कटी हुई टी शर्ट पहनकर बाहर निकली। उर्फी को इस तरह देखकर पेपराजी इनकी तस्वीर को क्लिक करने लगे, जहां लोग इन्हें ट्रोल करते नजर आए, लेकिन उर्फी अपने ड्रेसिंग सीन से काफी आरामदेह लग रही थी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसमें उर्फी जावेद ने ना सिर्फ फोटोग्राफर को हाथ हिलाकर सलाम कर रही है, बल्कि कैमरे को देखकर पोज भी दिए जा रहे हैं। उर्फी की कटी हुई टी शर्ट हवा की वजह से उड़ती हुई नजर आती है, जिसे उर्फी संभालते हुए बिल्कुल परेशान नहीं लगी। उर्फी को इस तरह के कपड़ों में देखकर लोग बड़क उठे और तरह तरह की बातें बोलने लगे। एक ने लिखा, कोई इसे कपड़े अतिया कर दो, तो वहीं एक जोया शेख नाम की यूजर ने बोला, मुसलमान के नाम पर ये कलंक है। बिग बॉस ओटीटी से एलिमिनेट हो चुकी है उर्फी जावेद गुज़िश्ता कुछ दिनों से सुर्खियों में है। उर्फी जावेद का बिग बॉस ओटीटी का सफर बहुत छोटा रहा, वो पहले हफ्ते में ही शो से एलिमिनेट कर दी गई। शो में वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। वो अपनी स्टनिंग तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहती है। वो अपनी लुक्स को लेकर बहुत ख्याल रखती है। वो अपने कपड़ों को डिजाइन करवाना पसंद करती है। वो अपनी लुक्स को लेकर इस्तेमाल करती रहती है। वहीं हाल ही में गणेश की पूजा पर भी उर्फी को लोगों ने मजहब को लेकर काफी ट्रोल किया। उर्फी ने कैप्शन में दिया है, मेरे घर पहली बार गणपति। इस दौरान उर्फी ने शलवार कुर्ता पहना हुआ है। उर्फी का ये अंदाज यूजर को पसंद नहीं आया और अदाकारा के मजहब और कपड़ों को लेकर ट्रोल करना शुरू किया। उर्फी जावेद को अपने कपड़ों और मजहब के हवाले से काफी यूजर ट्रोल कर रहे हैं। इनके नाम में जावेद आने के सबब लोग इन्हें बॉलीवुड के मशहूर नगमा नगार जावेद अख्तर से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उर्फी को जावेद अख्तर का रिश्तेदार तक बता चुके हैं। ट्विटर पर कुछ लोगों ने लिखा है कि उर्फी जावेद नगमा नगार जावेद अख्तर की नातन है। ऐसी बातें पढ़ते पढ़ते जावेद अख्तर की बीवी शबाना उज़्मा तक पहुँच गयी। शबाना उज़्मा ने इन सभी क्या सराइयों को बेबुनियाद बता दिया। शबाना उज़्मा ने ट्वीट करके वाजह कर दिया है कि उर्फी का जावेद अख्तर से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। शबाना उज़्मा ने ट्वीट में लिखा है कि उर्फी जावेद का हम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। उर्फी जावेद भी इन क्या सराइयों पर अपनी वजाहत दे चुकी हैं। उन्होंने क्विंट को दिए हुए इंटरव्यू में बताया कि ये बहुत फनी है कि लोग मुझे जावेद अख्तर की फैमिली का बता रहे हैं। लोग सिर्फ इस बुनियाद पर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मेरे नाम में जावेद है। उर्फी जावेद कई टीवी शोज में अदाकारी कर चुकी है। वो मेरी दुर्गा बेपनाह में भी काम कर चुकी है। वो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाई हुई है। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेली अपडेट को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।